ये जादू है जिनका सीरियल में रोशनी और अमन का जोड़ी बहुत ही कम समय में दर्शकों का दिल जीत लिया है, इसीलिए सीरियल का टीआरपी हमेशा रैंक करता है। विक्रम सिंह चौहान ने अमन का किरदार निभाया है, दूसरी तरफ अदिति शर्मा ने रोशनी का किरदार। न्यू ईयर में विक्रम ने अपने को स्टार अदिति को क्या गिफ्ट दी है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे आप आए के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखा जाए तो स्टार प्लस में ये जादू है जिनका सीरियल स्टार्ट होने से पहले ही संजीवनी शुरू हुई थी, जिसका पहला सीजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। वहां अमन और रोशनी ने संजीवनी के इस सीजन को पीछे ही छोड़ दिया। सीरियल की यूनिक स्टोरी और अमन और रोशनी की नोक झोंक दर्शकों को पसंद आने लगा, जिससे सीरियल का टीआरपी रेटिंग भी बढ़ गया। अमन और रोशनी की जोड़ी को देखकर बहुत सारे फैंस यही ख्वाहिश करते हैं कि वो दोनों रियल लाइफ में भी डेट करें। पर आपको बता दें, विक्रम और अदिति रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद चीजों के बारे में भी अच्छी तरीके से पता है। रोशनी इतनी हसमुख और क्यूट है कि विक्रम ने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में अदिति को एक सनग्लास गिफ्ट दी है। अदिति अपने आप को कूल दिखाने के लिए बहुत बार विक्रम के सामने सनग्लास पहन के घूमती रहती है, इसलिए विक्रम ने ये सनग्लास गिफ्ट की है। अदिति की गिफ्ट पाकर बहुत ही खुश है। बदले में लंच डेट की प्लान की है अदिति ने। अगर सीरियल की बात करें तो बहुत दिनों बाद अमन और रोशनी की केमिस्ट्री फिर से दिखाई जा रही है, पर इसमें भी अर्चन लाएगी परवीन। पहले तो अपने बेटे का जिंदगी सुधारने के लिए रोशनी को दूर कर रही थी और अब तो खुद ही अपने बेटे का जान लेने में लगी हुई है परवीन। Thanks for watching this video. टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।